ओहो, इसकी बहन की गांड पे चप्पल मारूं क्या गिर गया आंख में। ओहो, अरे सात अजूबे इस दुनिया में पांचवी बहन की लोड़ी। अरे टूटे से ना टूटेगी ये तेरी बहन की लोड़ी। ओ हो, अरे ओहो गणपत राय यहाँ कोई है। ओहो, अरे ओहो गणपत राय देखिए आंख में क्या गिर गया। अरे भासड़ी का चट्टा की आंख में क्या गिर गया। ओबे ओहो, ओबे चच्चा बे, अरे ओहो क्या है, चच्चा कुत्ते का बाल है। ओहो बेटे गणपत राय ध्यान से देख, सुअर का होगा। चाचा कुत्ते का ही है। ओहो बेटे सुअर का तो सुना, कुत्ते का कहां से आ गया। चाचा सुअर तो तुम खुद हो, तो सुअर की आंख में सुअर का बाल गिरते हुए देखा कभी। सुअर की आंख में कुत्ते का ही तो गिरेगा। ओहो गणपत राय तू यहाँ फिरकी ले रिया, और वहाँ मेरे मोहल्ले में लड़ाई हो गई जुल्फकार के लौंडे की, उसकी खबर आती रहे मेरे पास आए दिन, कभी उससे लड़ लिया कभी उससे लड़ लिया। ओहो चाचा उसकी छोड़ो, तुमने कभी मेरी लड़ाई होते हुए सुनी कि मैंने फलाने के लौंडे से लड़ ली और उसके लौंडे से लड़ ली, बताओ। ओहो गणपत राय लड़ाई की तो ना सुनी मगर गाड़ों की बहुत सुनी है, कभी जुल्फकार के लौंडे को दे दी। ओहो कभी इस्तकार के लौंडे को दे दी। ओहो कभी मुख्तियार के लौंडे को दे दी। ओहो और कभी कभी तुझे कोई न मिलता तो तू अपनी में बैगन भी घुसता। ओहो क्या बात कर रहा हो चाचा, यार गाड़ की बात चल रही है, ये लड़ाई की चल रही है। ओहो बेटे गणपत राय तू भी तो फिरकी ले रिया, मैंने भी ले ली फिरकी। ओहो ओहो गणपत राय बाल देखिए इसके। ओहो अबे कब कटवागा मैंने झूठ झंगाड़ बालों को, सुअर पालेगा इनके अंदर। ओहो अबे चुप है बुड्ढे, फैशन है फैशन। अबे चच्चा जानता ना दिखाएगा तुम्हारे बारे में, बताऊंगा तुम्हारे बारे में इसको, बता गणपत राय बता। ओहो तो चच्चा हमारे गांव के एक नंबर के गंडी है और इनके दल्ले इनके अब्बा है। ओहो अबे गणपत राय मेरे बारे में बता मेरे, ये तो तू अपने बारे में बता रिया। ओहो सॉरी चाचा सॉरी, देखो तो अभी बताता हूँ तुम्हारे बारे में, अभी फटेगी इसकी गांड। तो चाचा बेटे जब किसी को उधार ले लेते हैं ना हमारे गांव में, तो देने का नाम ले लेते हैं। मेरे भी 1500 रुपए है, पता ना कब देगा साला। ओहो गणपत राय तेरी पे टेक दिया ना तो साले तेरा छेद बड़ा हो जाएगा, बता से हगेगा बता से। ओहो मेरे बारे में बता, मेरे गुस्से के बारे में। ओहो इस बहन के लोड़े को। ओहो चाचा गुस्से के बारे में सॉरी सॉरी, अभी बताता हूँ तुम्हारे गुस्से के बारे में, अब फटेगी इसकी गांड। साले जब चच्चा किसी से पिटते है ना तो पिटते कम है और घिसड़ पाते ज्यादा है अपने आप को। ओहो गणपत राय और निकल जा तेरी बहन का अननोन बंदा चोदू। ओहो बहन के लड़ो ने मूड खराब कर दिया, और अब ये मूड जब ही सही होगा जब मुट्ठी मारूंगा। ओहो 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 बेटे तेरे तो हाथ ही ना, ले ऐसा कर ले कुछ पैसे रख ले। पैसे नहीं चाहिए मुझे। ओहो अच्छी आप पैसे ना चाहिए तो रुक कुछ खाने के लिए मंगवाऊं तेरे। मुझे भूख भी ना लग रही। ओहो भूख भी ना लग रही तो तेरी कोई ख्वाहिश है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। ओहो तुम्हारे बस की ना, जो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। ओहो मतलब हम गफ्फार चच्चा ख्वाहिश पूरी कर सकते। ओहो पता तू क्या ख्वाहिश है तेरी। ओहो दूध दबाने का मन कर रहा, दबाओगे दूध करोगे मेरी ख्वाहिश पूरी। ओहो साले टुंटे बड़ी गुंडी ख्वाहिश है तेरी। ओहो चल आजा साले तेरे घर गऊंगा ना तो। ओहो बहन के लोड़े। ओहो ये बता मुझे तो ख्याल आ रहा था इसके ऊपर, और ख्वाहिश देखो कितनी गुंडी है। ओहो वो तो सुकर बना इसके हाथ ना, इस बहन के लोड़े ने भी मूड खराब करा और उसने भी मूड खराब करा, लगता है अब दो बार मुट्ठी माननी पड़ेगी। ओहो हेलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2020 जल्द ही खत्म हो जाएगा। 2020 में बहुत कुछ हुआ लेकिन जो सबसे अच्छी चीज वो मुझे याद है, बिनाने। मुझे बिनाने के बारे में 1 साल पहले पता चला, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, कुछ पैसे कमाए और अब मैं पूरी तरह से सीख गया हूँ। मैं पहले से कई गुना अधिक कमा रहा हूँ। पहले मैं अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट भी खरीद नहीं पाता था लेकिन अब बिनानी से पैसे कमा कर मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग इस पर नए हैं उन्हें पता नहीं है इससे पैसे कैसे कमाते हैं, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि बैट लगाने का सबसे अच्छा टाइम है। मुझे लगता है कि जल्द ही ये ऊपर बढ़ेगा। मुझे लगता है ये पिछले 5 मिनट के लिए पिक बिंदु पर चला जाता है। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान है और आज मैंने जो पैसा कमाया है मैं अपने माता पिता और दोस्तों के लिए कुछ खरीदूंगा। आप भी नए साल में कुछ करना चाहते हो तो बिनानी वेबसाइट पर जाओ और बैट लगाओ, पैसा कमाओ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जाकर डाउनलोड करो और पैसा ही पैसा कमाओ। और अब देखो तुम वीडियो। अरे हबीबी जी, ये रज्जाक मुल्ला जी की कॉल आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रज्जाक मुल्ला जी की फोन आती। हाँ रज्जाक मुल्ला जी,
हाँ हाँ अभी इंडिया पहुंचती, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी अभी एयरपोर्ट से निकलती और अभी मैं गणपत राय से मिलती, ओके मिलके कॉल करती। अल हबीबी अल हबीबी खालिद अल्लाह। हां ए हबीबी, ये क्या बाबली गांड वाली हरकत करती? सूफी मुख्तियार, हम बाबली गांडों वाली हरकत नहीं करती, हम अपने ऊंट को मिस करती, उसे पुचकारती, प्यार करती, आप भी कीजिए, चुम्मा दीजिए। ओ ये बात है। अरे सूफी मुख्तियार, ये कहाँ का चुम्मा लेती, ये ऊंट का पिछवाड़ा है। ए हबीबी, ये क्या करवाती हमसे? जल्दी गणपत राय को बुलाती, वो हमको इंडिया घुमाती। सूफी मुख्तियार, आप सही कहती, मगर किससे बुलाती? हे बाबली गांड की पूछ, इधर आती। इट्स मी। हाँ भोसड़ी के तू, इधर आती। अल हबीबी अल हबीबी खालिद दल्ला। हाँ बताओ हबीबी। हाँ तो बाबली गांड की पूछ, गांड फट रहा है, गांड फट रहा है। हाँ गांड फट रहा है। गांड फट रही है तो इंडिया को आए क्यों है? अरे बहन की लोड़ी, गांड फट रहा है मतलब इसको जानती? ये तो अपने बचपन का दोस्त है। हाँ तो बाबली गांड की पूंछ, ये हमें कहाँ मिलती? तुम यही खड़े रहो, मैं से दो मिनट में बुला के लेकर आ रही हूँ। अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ये गाना मुझे हर किसी के स्टेटस पे बोर करता है। चुप चुप के गांड देने के अब दिन चले गए, लेकिन ये गाना सुन के मुझको खुल को गांड देने का मन करता है। अबे ओ गणपत राय। हाँ सर, हाँ सर। जमीन खोद रिया? हाँ सर, जमीन खोद रिया था मैं अपनी। कर्जा याद है? हाँ सर याद है याद है, एक साल होने दो, मैं पूरा कर्जा दे दूंगा तुम्हारा। एक साल नहीं, पांच दिन के अंदर अंदर मुझे मेरा सारा कर्जा वापसी चाहिए। अरे सर ये क्या बात हुई सर, सर एक साल का आया था आपने तो? बोल दिया ना, तो बोल दिया मैंने। गणपत राय चल भोसड़ी का रोम दे पहले। अबे सुन तो ले, क्यों कोई हबीबी ढूंढता फिर रिया? हबीबी मुझे? हाँ मुझे क्यों ढूंढ रिया भाई वो? चलिए इसकी बैग की चाहिए, चलिए। अल हबीबी खालिद दल्ला। ए हबीबी थैंक यू, तू हमको इंडिया घुमाती। सूफी मुख्तियार, अगर आप शुक्रिया बोलती तो अपनी अम्मी को बोलती। क्यों? क्योंकि आपकी अम्मी हमसे सेट होती और आपकी अम्मी हमसे बहुत दिनों से कहती हमारे लड़के को इंडिया घुमा के लाती, इसलिए हम आपको इंडिया लाती, और ये बात यहीं तक ही रहती, इंडिया इंडिया में, इससे आगे नहीं लेके जाती। अबे ये हबीबी लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं? अरे गणपत राय मुझे क्या पता, अगर पता होती तो मैं तुझे बताने देता। दे बोड़ा हबीबी, और तू चल मैं निकलता हूँ। मेरे दोस्त गंड फट रहा है, तू आ गई। अबे हो, पहली बात तो मेरा नाम गंड फट रहा है नहीं है, और जब तेरी गंड फटी रही है तो मुझे बुलाया क्यों है? समझा बे झाटू, गंड फट रहा है नाम है मेरा। अरे बाबली गांड की पूछ, मेरा ही मतलब वही होती, गंड फट रहा है तेरा नाम। मैं गंड फट रहा है नहीं, गणपत राय साले एक रेवटा हुआ तो गाली चाटता फिरेगा, समझा बे झाटू। अरे गणपत राय इनकी बोली ऐसी है, तुम इनके चक्कर मत पड़ो, काम की बात करो तुम। गंड फट रहा है, तू मुझे इंडिया घुमाती, मैं तुझे सोने के बिस्किट देती और तेरी गांड चमकाती। अरे मेरी जान, सोने के बिस्किट और सोलर भाई का कर्जा, इसे ही इंडिया घुमा के इसे ही चुपाता हूँ। अरे अच्छा हबीबी, यही हबीबी। अब बड़े दिनों में आए तुम हबीबी भाई साहब। ओ भाई साहब हेलो। अरे ये हबीबी है ये? मेरा जानने वाले। तो तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना मांगती इंडिया? ए गणपत राय तो समझदार निकला। तो हबीबी सबसे पहले आप कहाँ घूमना मांगती? सबसे पहले हम कुतुब मीनार देखती। कुतुब मीनार तो हमारे साथ चलती। मगर गणपत राय, कुतुब मीनार देखने से पहले मैं तुझे एडवांस देती। हुरी, ये बाबली गांड की पूछ कौन होती, बिना बताए पैसे लेके भागती? अगर ये दुबई में होती तो इसकी गांड फटवा देती। हे डोंट माइंड हबीबी, डोंट माइंड जुल्फकार, क्या नाम है इनका भाई सबका? सूफी मुख्तियार। सूफी मुख्तियार डोंट माइंड, तुम्हारा बैग मैं लाती गणपत राय।
बॉस मैं एक से बैग छीन के लेकर आया हूँ और इसके अंदर बहुत सारा पैसा है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। मगर बॉस जिसका बैग है मेरे पीछे आ रहा आम दो। भाई साहब यार ये भाई साहब हमारा बैग ले आए, ये जरा हमें दे दो, ये हमारे दोस्त का बैग है। अबे कौन है बे तू भोसड़ी लंगन, जान प्यारी ना आ गया तुझे अपनी? भाई साहब यार मैं कौन हूँ यार, जान पहचान हम बाद में कर लेंगे यार, पहले मेरा बैग दे दो यार, देखो मैं चला जाऊंगा यार, समझ करो यार। अबे ओ चिरकुट चल बैग दे इसका, और तू भी साले किसी का बैग उठा ला था, चल बे ओ उठा ले इसे। भाई साहब कितने भले आदमी यार तुम, शुक्रिया भाई साहब तुम्हारा यार। भाई साहब यार ये तो बेमंटी है यार। अब भाई ये क्या करें, बेमंटी से काम चलता। लेके बैग दे दे इसका, गाड़ फटवागा हमारी, बैग दे सर भगा यहाँ से। कहा था ना प्यार से बैग दे दो मगर खाने भारी। सोल्जर का कर्जा तो कह दूंगा, मुझे ना मिला बैग बैग यार। अल हबीबी अल हबीबी खालिद अल्लाह, अल हबीबी अल हबीबी खालिद अल्लाह। हबीबी मैं मुझे बैग ना, बहुत बार उन्होंने मुझे बहुत। अरे गनफट रहा है क्यों रोती, वैसे भी मुझे उस पैसों की कोई टेंशन नहीं होती, बस उसमें 1.5 लाख रुपए होती वो तो मैं इतने इतने पैसे फकीरों को बांट देती, तू मुझे कुतुब मीनार दिखाती। आओ तो फिर तो हबीबी ये रही आपके सामने आपकी कुतुब मीनार। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत होती कुतुब मीनार। थैंक यू मेरे दोस्त गणफट राय, थैंक यू। ठीक है हबीबी फिर तुम जाओ फोटो फोटो खिंचाओ, मजे करो खूब मजे करो। आए भोसड़ी के कुतुब मीनार देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरा कुतुब मीनार को देखने का सपना पूरा होती। अभी लाइव आती। हाय फ्रेंड्स हबीबी। हाँ सूफी मुख्तियार क्या बोलती? हबीबी इस कुतुब मीनार में मुझे झोल मोल लगती, ये देख और ये देख कितना अंतर होती। हट सूफी मुख्तियार, मैं लाइव आती और मेरे लाइव पे 3-4 रंडियां जुड़ती। हाय फ्रेंड्स। अरे सूफी मुख्तियार, अबे बस साले मजे ले जाके तू भी। मुझे इस कुतुब मीनार में कुछ झोल लगती। अरे अबे साले ये फोटो कॉपी होती, दिस इज ओरिजिनल ओरिजिनल कुतुब मीनार। और ये जो चटक मार रही है ना इसमें, ये चटक नहीं मार रही है, ये डिजाइन है इसका। ये डिजाइन डालने के लिए बाहर से लोग मंगाए गए थे, कुछ लोग अमेरिका से कुछ स्विट्जरलैंड से, समझे? मगर नहीं गणपत राय मुझे फिर भी इसमें झोल लगती। अबे साले सूफी मुख्तियार का तेरे मुंह पर रैप्टा मार दे तो तेरे पैर सूज जाएंगे। और एक बात तो बता बे तू इसका कौन लगा है? फ्रेंड है मेरा। फ्रेंड है साले तेरी अम्मी सैडिंग है साले। गड़फट रहा है, गड़फट रहा है। हाँ आया आया। गड़फट रहा है, ओ गड़फट रहा है, गड़फट रहा है। अरे हबीबी कैसा चीख रहे हो हबीबी, क्या हुआ? गान फट रहा है। अरे हाँ हबीबी मैं हूँ तो यहाँ पे बताओ क्या काम है। गान फट रहा है। अबे मैं हूँ तो यहाँ पे बता क्या काम है। अबे मेरी गान फट रहा है। क्यों? मैं सोचती अगर कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में से नीचे गिरती और उसकी गांड में ये बढ़ जाती तो उसकी गांड का क्या होती। ओपे हबीबी कहाँ की ईट और कहाँ का लोड़ा और तेरी माँ का। जल्दी फोटो वोटो खींचा जल्दी आजा यार। कड़फट रहा है, फोटो तो हमने खींच ली, बहुत मजे लिए, फुल एंजॉय करी कुतुब मीनार। अब हमें लाल किला दिखाती। अगर मुझे अब भी ये कुतुब मीनार नहीं लगती। भंसड़ी का जादी ना बोल लिया तू, चुप रह चुप। तो हबीबी हम तुम अब लाल किला दिखाती। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी खालिद दल्ला।
अरे हबीबी, मैं ये कहती आपको ये कुतुब मीनार देखकर कैसा लगती? गड़फट रहा है, ये कुतुब मीनार देखकर हमको ऐसे लगती जैसे हम पट्ट तुम्हें गांड दे देती, लेकिन नहीं, गांड नहीं देती, हम उल्टा लेती। अरे यार हबीबी, मजाक मजाक छोड़ो, सच बताओ ना कैसा लगती? गड़फट रहा है, मान लो जैसे जो ताजमहल बनाती उसके हाथ कटवा देती, ऐसे ही ये जो कुतुब मीनार बनाती उसकी झांडे कटवा देती। अल हबीबी, अल हबीबी, खालिद अल्लाह। मैं बताऊं कैसी लगती? क्या चुप बे भोसड़ी के, सुन बे भोसड़ी के, मुझे ऐसा लगती तू जैसे मेरे हबीब का चूतिया काटती। तेरी बहन के भोसड़े, रुक जा, तू भोसड़ी के। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी नाजिश चीज होती। हबीबी, ये मुझे लाल किला नहीं लगती। सूफी मुख्तियार, तू सही बोलती, मुझे भी ये लाल किला नहीं लगती। मेरी जान अब पकड़ा गया साला गणपत राय, बहुत टाइम से चूतिया बना रिया हमारा। हे गणपत राय, कम हियर। अरे हबीबी, हाँ क्या 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 हो गया हबीबी? हाँ बताओ, ये लाल किला नहीं होती। पकड़ा गया इसकी बहन का बोल रू। अरे हबीबी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था यार। हाँ, बता तो बता। गणपत राय, ये इंडिया गेट होती। ये इंडिया गेट होती। अरे यार हबीबी, यार तुमने कितना खूब पहचाना। अच्छा, लाल किले से पहले तू मुझे इंडिया गेट दिखाती। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या दिमाग है तेरा। माशाल्लाह, मैं फोटो खींचती। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत होती इंडिया गेट। ए सूफी मुख्तियार, इधर आती, मेरा एक फोटो क्लिक करती। मगर हबीबी, ये इंडिया गेट भी नहीं लगती मुझे, ये देख फोटो देख। अरे मर गई री सूफी मुख्तियार, तुम एक नंबर की बहन की लोड़ी होती। तुम हर चीज नकली बताती, मेरे ख्याल से तुम मेरे इस पे बैठती, टब्बा खाती और सीधा दुबई पहुंचती। और अगर तुम इस चीज से बचना चाहती तो मेरे 3-4 फोटो खींचती, बेहतरीन बेहतरीन। हाँ हाँ, हेलो। हाँ गणपत राय। हाँ सोल्जर भाई, क्या हुआ हमारे पैसों का? अरे सोल्जर भाई, 5 दिन तो होने दो अब। 5 दिन नहीं, आज के आज पैसे चाहिए और अभी के अभी। अबे अबे सोल्जर भाई, तुमने इसकी बहन का दारू 1 साल गई थी, 5 दिन कह लगे, अब 5 दिन ना तो एक दिन, अब तुम्हारी मुआ गाड़ा कितना बता। अरे गणपत राय, तू यहाँ बैठती, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू मुझे इंडिया में घुमाती। गणपत राय, हाँ, तेरी आंखें लाल होती, तू रोती नहीं तो चल मुझे गाड़ी तक छोड़ देती। ए हबीबी, इसको देखना, ये मुझे बहुत परेशान लगती। हे गणपत राय, तू कैसे सुस्त मुस्त चलती? यार हबीबी भाई साहब, यार मैं बहुत परेशान हूँ यार आज। तू किस चीज की परेशानी में होती? हबीबी, जिस जमीन से मैं खाता हूँ पीता हूँ, अपनी खेती किसानी करता हूँ, आज वो जमीन मेरी छिन जाएगी, मेरे पर बहुत कर्ज आया यार हबीबी। तो तू टेंशन क्यों लेती? मैं तुझसे बोलती, तू मुझे इंडिया घुमाती, मैं तुझे सोने के बिस्किट देती। ए सूफी मुख्तियार, ये ले सोने के बिस्किट, अब तू ये छोटे मोटे कर्जे फटाफट निपटाती। हबीबी माफ कर दो यार मुझे यार। माफ क्यों कर दो गणपत राय? उस दिन जो मैं तुम्हारा बैग लेकर भागा था ना, तो वो बैग मुझे मिल गया था, मगर मैंने तुम्हें बताया नहीं। कोई नहीं गणपत राय, ये भी तू रखती, ऐश करती, मजे लेती और मेरी गाड़ी आ जाती। कितने अच्छे हो यार हबीबी तुम, अगली बार कब आओगे? बहुत जल्दी मिलती। हबीबी जा रहे हो यार तुम, यार यार जल्दी आइयो है ना वापस यार। ओके, मैं बहुत जल्दी इंडिया वापसी आती। नहीं और जल्दी, उससे भी जल्दी। क्यों? मैं दोबारा कर्ज ले लूंगा ना, तुम फिर मुझे दे जाओगे यार कुछ। गड़फड़ रहा है तू भी कुछ नहीं। तू भी मुक्त यार, मैं तुझे बहुत मिस करती यार। मैं भी तुझे मिस करती, पर तूने अच्छा नहीं किया। क्या? मेरे हबीबी का चूतिया बनाया। हबीबी इसे मत लाना भवले वाले को, कभी भी इसे मत लाना। ओके ओके, अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी खालिद दल्ला। अबे का है बे सोल्जर भोसड़ी के, मैं काली की बकरिया। अबे तुझे बकरिया हूँ तुझे साले, पैसे लेके जा अपने। चल चल, शाम को ले लूँ आके। अबे
टाइम ना तेरे भाई के पास, अभी ले अभी भूपे भैंस का मारेगा तेरा भाई तेरे भूपे पैसे। हाँ चल अभी दे दिया, आ रही हूँ। अबे अभी ले बॉस के। हेलो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगती? अगर अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करती और कमेंट करके बताती, और अगर आप इस चैनल पर नहीं होती तो चैनल को सब्सक्राइब करती, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको देती रहती। ओहो अल हबीबी, अल हबीबी, खालिद दल्ला।